नमस्कार, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। चकोटिया के निकट सोनगांव में इस मैदान में क्रिकेट चल रहा है। 15 नवंबर से लगातार क्रिकेट चल रहा है और लगातार आज भी हमने रोमांचकारी मैच देखा और यहां पे लगातार 15 नवंबर से मैच शुरू हो गए हैं सोनगांव चकोटिया में। जय भूमिया बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आगाज हो चुका है, जो कि 15 नवंबर 2022 से शुरू हो चुका है। ग्रीन पार्क स्टेडियम सोनगांव चकोटिया। समस्त क्रिकेट प्रेमियों को जानकर अति हर्ष होगा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जय भूमिया बाबा क्रिकेट क्लब सोनगांव चकोटिया में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज 15 नवंबर 2022 से हो चुका है। इस टूर्नामेंट में प्रवेश शुल्क है ₹1500, प्रथम पुरस्कार ₹15,000, जो कि माननीय विधायक मदन सिंह बिष्ट जी द्वारा दिया गया है, जबकि द्वितीय पुरस्कार ₹7500 माननीय जिला पंचायत सदस्य नागाड़ वीरेंद्र कुमार की ओर से दिया गया है। इस टूर्नामेंट में रविवार 20 नवंबर को एक महत्वपूर्ण मैच खेला गया कलरों और अग्नेरी टीम के बीच, जिसमें अग्नेरी टीम ने टॉस जीतकर निर्धारित 12 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 104 रन का लक्ष्य कलरों टीम को दिया। जवाब में उतरी कलरों की टीम ने 11 ओवर में मात्र 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य पूरा कर लिया। इस मैच में कलरों टीम की ओर से दिव्यांशु ने नाबाद 52 रन बनाए, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। पेश हैं इसी मैच की कुछ खास झलकियां। बहुत ही अच्छी उम्दा गेंद किस्म की बल्लेबाजी, दसवीं शॉट देने को मैदान चली आई, काफी राइटर और बल्लेबाजी करी और निश्चित रूप से